गले से पैसे ले ले। चोर, चोर, कौन है तुम? चोर, चोर। अरे चिल्लाओ मत, मैं हूँ, मैं हूँ। कौन है? मैं हूँ, कार्तिक। आप यहाँ क्यों आए? किसी ने देख लिया तो पहले कितनी बदनामी हो चुकी है। मुझे इस हुलिये में कोई नहीं, और मैंने गाड़ी भी बहुत दूर पार्क की। छोड़िए मुझे, लोग देख लेंगे। आप यहाँ क्यों आए हैं? लक्ष्मी, एक जरूरी काम है, करोगी? तुम ना भी कह सकती हो। लक्ष्मी, मेरी वजह से तुम्हारा नाम उछाला जा रहा है, मुझे बहुत बुरा लगा। लोग मेरी वीडियोस बनाते, मेरी फोटोज लेते, मुझे आदत है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा जब वो तुम्हारे बारे में बुरा भला कह रहे थे। लक्ष्मी, मैं आज तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूं। आई एम सॉरी, दिल से माफ करोगी ना मुझे? सॉरी बोलना था तो फोन पे बोल देते, उसके लिए यहाँ आने की क्या जरूरत थी? फोन पे मांगने वाली चीज नहीं है माफी, और अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ूंगा, तुम्हारे पैर भी पड़ सकते हैं। कार्तिक जी प्लीज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप क्यों माफी मांग रहे हो? मुझे तो पता है वहां क्या हुआ था। थैंक्स। लक्षु का फोन आ रहा है। लक्षु कैसी है? तो ठीक है ना? तेरे से बात ही नहीं हो पाई। तेरा फोन मिल गया? हाँ मिल गया। मैंने सोनू के फोन से भी आपको फोन ट्राई किया दीदी, पर पता नहीं आपका फोन लगा ही नहीं। हाँ वो मैंने अपना फोन चार्जिंग पे लगाया था और स्विच ऑन ही नहीं किया। अच्छा वो लिपिका से बात हुई थी मेरी, मम्मी का पारा बहुत चढ़ा हुआ था, उन्होंने कहीं तुझ पर हाथ तो नहीं उठाया ना? नहीं दीदी, बस थोड़ा सा नाराज थी, अब उतना तो होगी ना। मुझे ना तेरी लक्ष्मी बहुत चिंता हो रही है, तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ दीदी, आप अपना बताइए, आपके घर पे भी तो सबको पता चल गया होगा ना, और मेरी वजह से किसी ने आपको कुछ कहा तो नहीं, जीजू या आंटी? अब लक्ष्मी कविता कंपटीशन में कविता लिखने गई थी या कार्तिक को लपकने? अरे नहीं, तू मेरी चिंता मत कर, कुछ भी नहीं कहा किसी ने। कितना पतंगड़ बना दिया सबने, वो तो मेरा दुपट्टा उड़ के ऊपर अटक गया था और कार्तिक जी ने उसे निकालने में बस मेरी हेल्प कर दी थी, बस यही हुआ था दीदी। चुप कर, एक पड़ेगी तुझे, मुझे मत बता क्या हुआ क्या नहीं, तू मुझे बताएगी मेरी लक्ष्मी कैसी है? अरे ये मीडिया क्या, भगवान भी मेरे सामने आके खड़े हो जाए ना कि तूने कुछ ऐसा किया है तो भी मैं विश्वास ना करूं। बचपन से अपनी गोद में खिलाया है तुझे, कब तेरी आंखें नम होती है, कब तेरी सांसें अटकती है, कब तुझे भूख लगती है, कब तेरा दिल खुशी से उछल पड़ता है, सब जानती हूं मैं। तेरे बिना कुछ कहे, तू परेशान है, जाने अनजाने में इस बकेड़े में पड़ गई। लक्षु वहाँ कार्तिक भी टेंशन में हो रहे होंगे। उनको कोई टेंशन नहीं है मंगल दीदी, वो तो एकदम ठीक लग रहे थे। तू मिली उनसे? हाँ दुकान पे आए थे। क्यों आए थे? मुझसे सॉरी कहने कि उनकी वजह से मेरी इतनी बदनामी हुई। अच्छा, हे माता रानी, कार्तिक जी सच में बहुत अच्छे इंसान है, बताओ सॉरी कहने चांदनी चौक आ गए? हाँ अलग है वो, सच में गायत्री मासी के लाड़ प्यार में जरा भी नहीं बिगड़े, इतने मशहूर हैं फिर भी जरा भी अहंकार नहीं। चल अब मैं
शांति से गृह प्रवेश के निमंत्रण पत्र की पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। अरे हाँ दीदी, मैं आपसे वही पूछने वाली थी कि आप कल पूजा में क्या पहन रहे हो। आपकी वो लाल बनारसी साड़ी है ना, वो पहनिएगा। लक्ष्मी, अभी कुछ फिक्स नहीं है। जीजू का फेवरेट कलर है ना वो, आप नहीं पहनोगे ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा मेरी माँ, यही पहनूंगी। अच्छा सुन लक्ष्मी, कल तो भी अच्छे से तैयार होकर आना। चल रखती हूँ, अपना ध्यान रखना। ज्यादा सोचना मत। ओके बाय। जीजू ने लाल गुलाब रख के सनफ्लावर्स क्यों लिए? कितने सुंदर लग रहे हैं ना। सुनो, मंगल दीदी को सनफ्लावर्स की एलर्जी है, लगता है जीजू भूल गए। जब मैं वहां पहुंचूंगा तुम्हें सब पता चल जाएगा, सब्र करो। मैं उन्हें बताती हूँ, नहीं तो सरप्राइज बिगड़ जाएगा। भाई ये वाले फ्रेश हैं क्या? सॉरी सर, सनफ्लावर फ्रेश नहीं है। आप ये रेड रोज ले लीजिए ना सर। अरे यार, थैंक गॉड जीजू को याद आ गया। कितने सुंदर फूल लिए दीदी के लिए। अच्छा यही वाले पैक कर दो। अब जीजू से मिल लेती हूँ। गुप्ता जी। नहीं नहीं, हाँ मैं कल स्टॉक लेके आ जाऊंगी। ओके बाय। आदित्य आगे। सौम्या, अक्षत तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मा मेरा होमवर्क हो गया, मैं बाहर खेलने जाऊँ। अच्छा ठीक है, जल्दी जाओ मगर जल्दी आ जाना, घर में पूजा है ना। ठीक है। आदित्य जी आए नहीं अभी तक। कार भी नहीं दिख रही,
जरूरी मीटिंग आ गई होगी। थैंक यू आदित, आई लव यू।